हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप सिंह भाटिया है। मैं आपके सामने फिर कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ सक्सेस के, जिसकी वजह से आप कामयाब तो हो गई पर उसके साथ साथ आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो अगर इन पॉइंटों को अपनी लाइफ में यूज करते हो। तो ये 10 पॉइंट हैं जिनको आप यूज करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। पॉइंट नंबर वन, किसी भी इंसान को अपना आदर्श बनाना। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें एक अपना एक ऐसा इंसान चुनना जिसने प्रॉब्लम फेस करके और वो कामयाब हुआ है, यानी कि वो कितनी बार प्रॉब्लम फेस करी, हजारों प्रॉब्लम फेस करके भी वो कामयाब हुआ है, तो उस इंसान को अपना आइडियल बनाना, अपना आदर्श चुनना। पॉइंट नंबर टू, रूल ऑफ 100। रूल ऑफ 100 का नियम का मतलब यह है कि आप अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी कि पहले आपने एक जगह काम करा वहाँ पर कामयाब नहीं हुए, फिर दूसरी जगह काम करा वहाँ पर कामयाब नहीं हुए, तो इस तरह से आप जगह जगह बदल रहे हो। पर आप अगर रूल ऑफ 100 का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप 100 बार करना है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 बार करना है जब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते हो। पॉइंट नंबर थ्री, कम मुनाफा ज़्यादा व्यापार। अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो तो आपके पास 1 करोड़ लोग होने चाहिए, यानी कि जितने आपको लोग पास में होंगे, जितने आपको लोग जानते हैं, जितने आपसे जुड़े हुए हैं, उतने लोगों की आपको इनकम आएगी। पॉइंट नंबर फोर, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो आप 24 घंटे काम ना करके अपने काम को ऐसे 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें जो आपके उस काम को बहुत जल्दी कर दें। पॉइंट नंबर फाइव, खुद की वैल्यू पहले से ही तय करें। हर एक इंसान की वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपकी मानसिकता और सोच पर आधारित होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, जो भी पर्सन वहाँ पर आपसे ऊपर है और आपसे ज़्यादा कमा रहा है, तो अपनी वैल्यू ऐसी बनानी है कि आने वाले टाइम में इससे मेरे को ज़्यादा कमाना है, यह सोच कर चलना है। पॉइंट नंबर सिक्स, एडवांस प्लानिंग। इसका मतलब यह है कि अगर आप आगे का सोच कर चल रहे हो तो आप कामयाब हो जाएंगे। अपना कदम, एक एक कदम सोच कर धरना, यानी कि जो भी जिस भी फील्ड में हो अगर आप उसमें कामयाब होना चाहते हो तो आप आगे का सोच के चलोगे कि इससे मेरे को क्या नुकसान है क्या नहीं, मैं ये गलती करता हूँ तो इससे मेरे को क्या नुकसान है क्या नहीं, यानी कि आगे का सोच कर चलना, एडवांस प्लानिंग। पॉइंट नंबर सेवन, पैसा मत बचाओ, इनकम बढ़ाओ। अगर आप अपने पैसे को क्या कर रहे हो कि सेव कर रहे हो अकाउंट में या खुद के पास सेविंग कर रहे हो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये बहुत पुरानी बात होगी कि पैसा धर लिया आने वाले टाइम में काम आ जाएगा, ये चीज़ नहीं। अपना पैसा सेव नहीं करना है, उसको कुछ ऐसा खर्च करना है कि जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए। पॉइंट नंबर एट, अपने अंदर के जुनून को पैदा करना होगा। अगर आपका माइंड सेट वर्किंग क्लास का है तो उसे बदलना होगा। जॉब और हार्ड वर्क से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हार्ड वर्क करके या जॉब करके हम कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आज तक कोई भी हार्ड वर्क या जॉब कर कामयाब नहीं हुआ है। अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, और अपने अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा और अपनी इनकम को हर साल 2 गुनी 3 गुनी बढ़ानी है। कोशिश करें कि जो भी मेरा टारगेट है वो पूरा करना है, और अपने अंदर आग लगानी है कि जो मेरे सपने हैं वो सुबह शाम मुझे याद रखने हैं कि मुझे ये पूरे करने हैं, अपने अंदर ऐसा जुनून पैदा करना है। पॉइंट नंबर नाइन, अपना जो भी काम है उसको, जिस भी फील्ड में हो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हो अगर उसे मन लगा कर करोगे तो आप उसमें बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जो भी काम है मैं हंसी खुशी, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं कोई गेम खेलता हूँ उसमें मेरे को मज़ा आता है खेलने खेलने, तो मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ,
तो इसी तरह से जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें अगर आप मन लगा कर करते हो, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, तो आप उसे बहुत अच्छे से करोगे। पॉइंट नंबर लास्ट यानी कि 10, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 10 यह है कि काम गधे की तरह नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको चाहते हो कि मैं अमीर बनूं तो स्मार्ट वर्क करना है, ना कि गधे की तरह हार्ड वर्क करना है। थैंक यू। ये 10 पॉइंट थे जो आप यूज करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे और बहुत जल्दी आपके पास काफ़ी पैसा होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करना करता है कि आप करना चाहते हो नहीं, इन पॉइंटों को यूज करना चाहते हो नहीं। मेरा नाम कुलदीप सिंह भाटिया है, मैं DS.ASOT कंपनी में इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर हूँ। और मैं आपके सामने कुछ लाइन है जो सुनाना चाहता हूँ कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक वह पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हो ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। क्योंकि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। थैंक यू। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।